आरिफ खान को ड्रग्स केस में बेल मिली है। कोर्ट ने कहा है कि उसके पास से कुछ आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। अब नवाब मलिक कह रहे हैं कि पूरा मामला ही फर्जी था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान का बेल ऑर्डर रिलीज कर दिया। कोर्ट ने इस बेल ऑर्डर में कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक माना जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल क्रूज शिप में सफर करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से भी कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। अब नवाब मलिक कह रहे हैं कि पूरे मामले में फर्जीवाड़ा रचा गया था, ये किडनैपिंग और उगाही का मामला था। एसीबी को समझना पड़ेगा कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं ये जनता का पैसा है। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रच कर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है। मलिक ने एनसीबी पर तंज कसते हुए कहा कि एनसीबी को समझना पड़ेगा कि वो लोगों के टैक्स का पैसा जो उन पर खर्च होता है उसे यूं ही बर्बाद ना करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।